लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सीआरपीएफ के इस जवान ने पत्थरबाजों के साथ जो किया वो आपको भी जानना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग डैश जायनी में। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए भारतीय सेना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि भारतीय सेना बीएसएफ, सीआरपीएफ एवं जम्मू कश्मीर पुलिस कई सालों से आतंकवादियों और पत्थरबाजों से लोहा ले रही है। इस संघर्ष में लगभग हर दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, फिर भी ये डटे हुए हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा करना चाहते हैं। कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा लेकिन कुकुरमुते की तरह पनप रहे मानवाधिकार संस्थाओं को सिर्फ इन आतंकियों और पत्थरबाजों की ही चिंता होती है। इनके हिसाब से सुरक्षा बल सिर्फ मरने के लिए ही हैं। हमारे जवानों का मनोबल गिराने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इनका कहना है कि सुरक्षा बल कश्मीर में अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन नीचे की फोटो में आप देख सकते हैं कि कौन किस पर अत्याचार कर रहा है। सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला करते पत्थरबाज ऊपर दी फोटो एक दिन पहले की है। जब सीआरपीएफ की गाड़ी सड़क से जा रही थी तो सैकड़ों पत्थरबाजों ने गाड़ी को घेर लिया और पत्थरों की बारिश करने लगे। वो गाड़ी के अंदर से जवानों को निकालकर जान से मार देना चाहते थे। फोटो में साफ साफ नजर आ रहा है कि यह लोग गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह दरवाजा खुल जाता तो शायद अंदर बैठे जवान जिंदा ना होते। ये सब देख जवान ने हड़बड़ी में भागने की कोशिश की। उसके बाद तीन जिहादी गाड़ी के नीचे आ गए और मारे गए। सीआरपीएफ की गाड़ी से कुचलकर मरा पत्थरबाज। इसके बाद मानवाधिकार गैंग तुरंत सक्रिय हो गए। वैसे तो आत्मरक्षा में हत्या भी जायज है, लेकिन यहाँ पर जवानों पर ही हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जितना हनन सेना के मानवाधिकार का हो रहा है, शायद उतना किसी का नहीं हुआ होगा। पुलिस के अनुसार ये जिहादी मासूम और जवान अत्याचारी हैं। ऐसे समय में हमारा अपने जवानों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये हमारी हार होगी।